अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल जाज। आज मैं आप लोगों के लिए फुल रिव्यू लेके आया हूँ जिसका नाम है इन्फिनिक्स S4। तो ये इन्फिनिक्स की तरफ से फुल लेटेस्ट डिवाइस है जिसको पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले ही ऑफिशियली लॉन्च किया गया। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊँगा क्या ये मोबाइल फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं और क्या चीज़ें इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो पाकिस्तान में इसकी ऑफिशियली प्राइस रखी गई है 23,000 रुपये और ये मोबाइल फ़ोन आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट्स में से इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको मिलने वाला है ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो यहाँ पर मेन सेंसर दिया गया है 13 मेगापिक्सल का और वाइड एंगल सेंसर इसमें यूज़ किया गया है 8 मेगापिक्सल का और आपको बोके इफेक्ट के लिए जो सेंसर यूज़ किया गया है वो है 2 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्वाड LED जो फ्लैश लाइट है वो भी मिल जाएगी और फिंगरप्रिंट भी इस मोबाइल फ़ोन के साथ दिया गया है, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की कलर स्कीम की तो कलर स्कीम यहाँ पर बहुत ही प्यारी है। आप देख सकते हैं बॉटम पर आपको ब्लैक कलर मिलेगा और आपको टॉप पर जो है पर्पल कलर का जो शेड है वो देखने को मिलेगा। तो डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन इस मोबाइल फ़ोन का बहुत प्यारा है। राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे आपको मिल जाएंगे वॉल्यूम रोकर्स, पावर ऑन ऑफ की। और अगर बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पे आपको मिल जाएगा मेन स्पीकर की ग्रिल, माइक्रो USB की पोर्ट, मेन माइक्रोफोन और 3.5 mm का ऑडियो का जैक। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी सिम ट्रे और यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन में आपको फुली ड्यूल सिम का जो स्पोर्ट है वो देखने को मिलेगा, यानी कि आप इसमें 2 नैनो सिम और एक 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रंट पे इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एयर पीस। तो यहाँ पर डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है 6.2 इंच का IPS HD+ जो डिस्प्ले है वो दिया गया है 720p वाला ये डिस्प्ले है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, प्ले की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कलर इस मोबाइल फ़ोन के काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी डिटेलिंग जो डिस्प्ले है वो उसमें दिया गया है। क्विक पैनल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फ्लैश लाइट मौजूद है, ब्लू लाइट फिल्टर मौजूद है, स्क्रीन शॉट भी मौजूद है और यहाँ पे हॉटस्पॉट की ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी और यहाँ पर आपको बाइक मोड भी मिल जाएगा, मल्टी विंडो का सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा, वन हैंडेड जो यूज़ है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस मोबाइल फ़ोन में आपको जो मल्टी विंडो का सपोर्ट है वो भी देखने को मिलेगा। तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलेगा स्मार्ट पैनल, यानी कि यहाँ पे आप अपनी फेवरेट एप्लीकेशंस को एक ही जगह पर रख सकते हैं। डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ऑटो ब्राइटनेस मिल जाएगी, ब्लू लाइट फिल्टर मिल जाएगा और आपको इसमें काफ़ी सारे जो कलर्स जो वॉलपेपर्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप इसकी नोच को भी जो है वो हाइड कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आपको नोच पसंद नहीं है तो आप इसमें नोच को भी हाइड कर सकते हैं। स्टोरेज की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको मिलने वाली है 64 GB की इंटरनल स्टोरेज और 4 GB की रैम और 64 GB में से आपको तकरीबन 52 GB के करीब जो मेमोरी है वो यूज़ के लिए मिल जाएगी और आप इसमें 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4 GB की रैम में से तकरीबन आपको 2 GB के करीब जो रैम है वो यूज़ के लिए मिल जाएगी। तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको काफ़ी सारे जो गेस्चर हैं वो भी मिल जाएंगे, जैसे कि म्यूज़िक गेस्चर, फ्लिप म्यूट और कवर साइलेंस, लिफ्ट टू वेकअप। तो ये काफ़ी सारे जो इसमें फ़ीचर हैं वो आपको इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स की तरफ से XOS देखने को मिलेगा, चीता 5.0। और यहाँ पर अगर एंड्रॉयड की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलेगा फुली लेटेस्ट एंड्रॉयड 9.0। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको इसमें फुल लेटेस्ट जो एंड्रॉयड है वो देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया गया प्रोसेसर की, तो इसमें यूज़ किया गया है मीडियाटेक का हीलियो A22 प्रोसेसर। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसको 12 नैनोमीटर पर डिज़ाइन किया गया है और इसकी क्लॉक स्पीड है 2.0 और ये काफ़ी एफिशेंट प्रोसेसर है। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन में बैटरी की, तो यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी जो है वो यूज़ की गई है। तो यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 720 का जो डिस्प्ले है वो यूज़ किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मुझे किसी किस्म का कोई भी लैग इस मोबाइल फ़ोन में देखने को नहीं मिला क्योंकि प्रोसेसर इसमें काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, 4 GB की आपको इसमें रैम मिलती है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से मोबाइल फ़ोन में आपको किसी किस्म का कोई जो इशू है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो गेमिंग की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन की जो गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। जो नॉर्मल गेमिंग है आप इसमें अगर हल्की फुल्की जो गेमिंग है वो आप इसमें इजीली कर सकते हैं, किसी किस्म का मुझे इसके अंदर हीटिंग प्रॉब्लम जो है वो देखने को नहीं मिला, ना ही मुझे गेमिंग के दौरान किसी किस्म का जो कोई लैग है वो देखने को मिला है। तो यानी कि आप इसमें मोबाइल फ़ोन में ईज़िली जो गेमिंग है वो भी आप हल्की फुल्की कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई जो इशू है वो आपको फेस
करने को नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा की। तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिलेगा। मेन सेंसर 13 मेगा पिक्सल का है, वाइड एंगल सेंसर 8 मेगा पिक्सल का, और आपको बोके इफेक्ट के लिए डेप्थ सेंसर मिलेगा 2 मेगा पिक्सल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस मोबाइल फ़ोन में मिल जाएगा वीडियो मोड, और अगर वीडियो की बात की जाए तो वीडियो में आप इसमें फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप इसके बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो कैमरा है वो आपको इसमें मिल जाएगा। ब्यूटी मोड भी इसमें मौजूद है, बोके इफेक्ट और AR शॉट जो है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन में आपको वाइड एंगल शॉट भी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको वाइड एंगल जो शॉट है वो देखने को मिलेगा। तो बाकी अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट पे आपको मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पर भी आप जो फ्रंट कैमरा है इससे आप फुल HD तक की वीडियो बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का आपको इस पर सपोर्ट मिल जाएगा। ब्यूटी मोड भी इसमें मौजूद है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड भी इसमें मौजूद है। तो कैमरा के लिहाज से ही मोबाइल फ़ोन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, और इसके जो सैंपल होंगे वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के फिंगरप्रिंट की। तो फिंगरप्रिंट की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल एक्यूरेट है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इसका फिंगरप्रिंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मुझे किसी किस्म का कोई इसमें इशू जो है वो देखने को नहीं मिला। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के फेस अनलॉक की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फेस अनलॉक, तो फेस अनलॉक भी इसका जो है वो काफ़ी तेज़ है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ओवरऑल इसका जो फिंगरप्रिंट है और जो फेस अनलॉक है वो इसका काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आपको इसमें किसी किस्म का जो इशू है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी की। तो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग की, तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको 4000 mAh की जो है वो बैटरी देखने को मिलेगी। और अगर इसकी चार्जिंग की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन के साथ जो पावर अडाप्टर मिलेगा वो आपको 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का मिलेगा। और अगर इसके चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो 0 से 100 तक ये तकरीबन 2.5 घंटे का टाइम लेगा, 10 वाट पे ये मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी की लाइफ की, तो इसकी बैटरी की जो लाइफ है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। हैवी यूज़ के साथ भी ये मोबाइल फ़ोन आपको तकरीबन 1.5 दिन का बैकअप दे जाएगा, और अगर आपका यूज़ बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, तो इजीली आप इस मोबाइल फ़ोन से 2 दिन का जो बैकअप है वो ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है कि 4000 mAh की बैटरी होने की वजह से आपको इस मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की, क्या ये मोबाइल फ़ोन आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात यह है कि इस मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस रखी गई है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। 23,000 रुपये में आपको 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, ट्रिपल कैमरा सेटअप, और आपको एक काफ़ी अच्छी जो बिल्ड क्वालिटी है मोबाइल फ़ोन की यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, किसी किस्म की मुझे अभी तक इस मोबाइल फ़ोन में इशू जो है वो मैंने फेस नहीं किया। इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, बैटरी टाइमिंग इस मोबाइल फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। फ्रंट पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से ये मोबाइल फ़ोन 23,000 रुपये में बहुत अच्छी डिवाइस है, अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा ये मोबाइल फ़ोन आप ले सकते हैं। तो किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।